जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, फोटो चल रही है मुख्यमंत्री जी की, और कहा जा रहा है कि इन्हांसमेंट का मुद्दा सुलझ गया, सब लोग मान गए, सेक्टर्स वाले मान गए, और अब बीजेपी को कोई भी थ्रेट नहीं है, बीजेपी का विरोध नहीं किया जा रहा है, क्या सर इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, वही तो मैंने बताया कि गुमराह करने की बात है। सीएम के साथ फोटो खिंचवाना, सीएम ने कुछ बोला है क्या? अधिकारियों ने कुछ बोला है क्या? किसी साइट के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आया है क्या? और कल की जो डेट थी, उसमें 3 जजेज की कमेटी बनाई हुई है जो एरिया डिसाइड करेगी कि किस एरिया के ऊपर इन्हांसमेंट आनी है। उस जजेज की कमेटी के सामने जब क्वेश्चन आया कि क्या गवर्नमेंट रिकैलकुलेशन करने को जा रही है, तो जजेज की कमेटी के सामने हुड्डा के अधिकारियों ने क्लियरली कहा ये कि हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, न ही सरकार की तरफ से कोई डायरेक्शन है, और न ही ऐसा कुछ होने को जा रहा है, और वो पेपर में भी आई हुई है। तो फिर ये जो फोटोज है, वो क्या चक्कर क्या है ये सब पूरे मामलों का? आप लोगों का कोई भी सदस्य नहीं गया था वहां पे? नहीं, हमारा कॉन्फेडरेशन का कोई सदस्य नहीं गया, न ही कोई इन्विटेशन आया। ये सिर्फ मैं वही कह रहा हूँ कि गुमराह करके वोट लेने की बात। हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं करते, अब कहते हैं कि रिकैलकुलेशन हो जाएगी। विदाउट नोटिफिकेशन रिकैलकुलेशन कैसे हो जाएगी? अब मूर्ख से मूर्ख आदमी समझ सकता है? और ये तो सेक्टर्स की बात है जहां पर सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आपको लगता है कि आपने बीजेपी के कोई एजेंट की बात की थी, क्या बीजेपी के एजेंट पूरे गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें मैं क्लियर कर देता हूं, बीजेपी का एजेंट का मतलब है कि बीजेपी के डायरेक्ट वर्कर जो बीजेपी के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, किसी न किसी नेता के कोई भतीजा बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि मैं फलाना राजीव जैन जी हूं, विधायक क्या है वो उनके वहां, तो वो सीधे के सीधे अगर वहां जाके मिले हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? उसको एजेंट कह लो, वर्कर कह लो, सारी की सारी एक ही बात है, मिली भगत से है ये सारी की सारी चीजें। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव सर पे है, हिसार में नगर निगम की तैयारियां चल रही है, बीजेपी जोर शोर में प्रचार के लिए चल रही है, आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, सेक्टरवासी चाहे जहां पर एनहांसमेंट आई हो या ना आई हो, जहां पर एनहांसमेंट आई है वो तो सीधा ही लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां पर एनहांसमेंट नहीं आई वो सारे सेक्टरवासी साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं आई कल हमारे ऊपर एनहांसमेंट आएगी। लेकिन सारे सेक्टरवासियों की तरफ से उनका नुमाइंदा होने के नाते मैं हमारे शहर के दूसरे भाइयों से अपील करता हूं कि इस बार हमारा साथ दें, हमारे दुख में हमारे साथ आए, बीजेपी को वोट ना दे, ताकि ये समझने लगे कि राज चला जाता है जनता के सहयोग से, जनता के अनुसार, जनता को सता के नहीं। तो हम पूरे सेक्टरवासी ये अपील कर रहे हैं बाकी शहरवासियों से कि कम से कम इस लोकल चुनाव में बीजेपी को वोट ना दें।